और जो आजकल कहानी की कमी है, मैं चाहता था कि वो पूरी की जाए। और एक ही तरह की फिल्म, एक ही तरह की कहानी देखते देखते मैं भी बेजार हो गया हूँ। मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ लिखूँ जो लोगों के दिल को छू जाए। वो कोशिश हमने की है, और मिजाज की कहानी लिखने में मुझे 3 साल लग गया। और इसके डायलॉग्स मैंने बहुत अच्छे लिखे हैं, लोग कहते हैं। और स्क्रीन प्ले भी करने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो पीरियडिकली फिल्म है, और वो कल्चर जो 100 साल पुराने उसको दिखाना, वो एम्बियंस क्रिएट करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बीइंग ए राइटर, मैं चाहता कि जस्टिस हो स्क्रिप्ट के साथ। तो अगर आप स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो कैरेक्टर जस्टिफाइड नहीं होगा। तो मैंने उसका पूरा ध्यान रखा है कि मजाज पर कुछ लिखूँ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सच्चाई पर बेस हो। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ मजाज विच आई हैव ऑलरेडी रिटन। तो ये मेरी कोशिश थी कि कुछ डिफरेंट, एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए जिसमें रियलिटी हो, और लोग इसे देख के ये महसूस करें कि भाई ये तो मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैंने ये कोशिश की। देखिए, इनफैक्ट कि रविंदर जी हमारे डायरेक्टर तो हैं, इससे पहले भी हमारे इनसे रिलेशन रहे हैं, और अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, स्ट्रगलर हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो मैं बीइंग ए फ्रेंड, मैंने ये सोचा कि एक अच्छी सोच रखने वाला डायरेक्टर इस फिल्म के लिए लिया जाए। तो उस वक्त बहुत सारे नाम मेरे पास आए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि पहले रविंदर जी को मैं टेस्ट करूँगा कि ये कहाँ तक इस फिल्म को कर पाएंगे। तो मैंने इनको 6 महीने ऑफिस प्रोवाइड किया, घर प्रोवाइड किया, सब कुछ प्रोवाइड किया, आप रहिए, और स्क्रिप्ट मेरे साथ बैठ के डिस्कस कीजिए 6 मंथ्स। और ये रविंदर जी ने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, हर चीज़ को, उस कल्चर को, उस तहजीब को, सारी चीज़ को समझा, और फिर उन्होंने अपनी टेक्निकली शॉर्ट डिवीजन क्या क्या इन्होंने किया। तो क्या है कि इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। और मैंने ये भी कह रखा था, इन पर प्रेशर मैंने डाल रखा था कि बीइंग ए राइटर, फॉरगेट अबाउट द फ्रेंडशिप। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ भी आप दिखाएं उसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये कोई नाच गाने वाली ऐसी फिल्म नहीं है कॉमर्शियल, जिससे आप कहीं भी शॉर्ट देकर निकल जाओ। शुड बी वेरी परफेक्ट शॉट, शुड बी एंगल वाइज वेरी करेक्ट, स्किट वाइज शुड बी वेरी करेक्ट। और मुझे लगता है कि इन्होंने मेरी उम्मीद से बढ़ के काम किया। मैं इसके लिए रविंदर जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और दुआएं कर देता हूँ कि आगे भी ये इस तरह के काम को करें। अच्छे डायरेक्टर हैं, सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। ही इज़ नॉट आफ्टर मनी, इस इज़ वेरी ट्रू, ही इज़ नॉट आफ्टर मनी। और ये इन्होंने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया है, हर मायने में सपोर्ट किया है, और हमने भी इनको हर तरीके से समझा है। सपोर्ट तो खैर करना ही होता है, प्रोड्यूसर को करना ही पड़ता है। इस लिहाज से रविंदर जी की ट्यूनिंग हमारे साथ जो है बहुत बहुत अच्छा रहा, और मेरे ख्याल से आगे भी कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, और एक अलग सब्जेक्ट हिंदी छोड़कर उर्दू में काम करने का, और जैसा शकील साहब ने बोला, और खुद राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और डायलॉग सब चीज़ किया इन्होंने, तो मैं इनसे उर्दू के बारे में भी समझा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, मीनिंग्स बताएं, इन्होंने गाइड किया। फिर मैं जो जो लोकेशंस, क्योंकि इसमें लोकेशन बहुत ज़रूरी थे, और ख़ासकर पीरियड मूवी है, उस समय लाइट्स नहीं दिखाना है, लाइट्स का प्रॉब्लम होल है, तो ये सब मैं इनसे शेयर किया कि आप मुझे वैसा जगह दिखाओ जिसको मैं शूट करूँ। इन्होंने बहुत मेहनत किया हमारे साथ, हम दोनों मतलब समझिए कि एक साथ चलें और दोनों मिलकर एक अच्छी मूवी बनाने की। देखिए एक्चुअली क्या है ना, फिल्म तो पहले पेपर पे ही कंप्लीट हो जाती है, पूरी फिल्म मैं समझ गया ये क्या दिखाना चाहते हैं, वो मेरा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्लस लोकेशन, कॉस्ट्यूम, क्योंकि मुस्लिम कल्चर से हम लोग कर रहे थे, तो आपने बहुत सहयोग दिया, और हम दोनों ने मिलके उसको फिर कैसे क्या करना है वो सॉल्यूशन ढूंढे, और आर्टिस्ट को भी लेके हम लोगों ने थिएटर के आर्टिस्ट काफ़ी हम लोग यूज़ किए हैं, खासकर अलीगढ़ के हों और लखनऊ के हैं, आपके जयपुर के हैं, है ना, वो लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो बहुत इस मामले में हम लोगों ने खोजबीन करके ऑडिशन लेके काम शुरू किया इनके साथ। सर, आपको ललित साहब को म्यूजिक
जी, उसके बारे में बताइए। जी इनफैक्ट ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है अनुषा जी। एक्चुअली जब मैंने इस फिल्म को बनाने का बेरा उठाया तो मैंने कहा कि म्यूजिकल पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा हो जिसे गज़लियात की पूरी नॉलेज हो, लैंग्वेज पे कमांड हो, और सुर ताल तो सभी जानते हैं लेकिन एक ऐसा सुर ताल होना चाहिए जो मजाज को, उनके शायरी को वो अपने मुसिकी में ढाल सके, मतलब कंपोजिशन में ढाल सके। तो मैंने इनकी एक फिल्म में देखी थी, वो आपको मराव जान में इन्होंने एक गज़ल गाया था, तो तकरीबन मेरे ख़ास 30 साल पहले मैंने फिल्म देखी थी, 30-35 साल पहले। तो वो मेरे दिमाग में वो छाप था कि ये ऐसी आवाज़ इनकी है और ऐसी कंपोजिशन में, खयाम साहब की कंपोजिशन थी। तो मैंने कहा है कि तलत साहब विल बी द बेस्ट जज टू डू दिस म्यूज़िक। मेरी मिलने जब मुलाकात मेरी तलत साहब से यहाँ उनके बंगले पे हुई, तो उन्होंने कहा कि शकील साहब ये बहुत बहुत ही जिगर वाली बात है और हिम्मत वाली बात है कि इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने मजाज को उठाया नहीं, ये सब्जेक्ट को आप लेके आए हैं। मैंने मजाज को बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, और हमारी दिली ख्वाहिश थी कोई भी ऐसा मेकर हो जो मजाज को बनाए। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपको, और मैं दिल से ये कहता हूँ कि मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ इसकी कंपोजिशन करूँगा, और मैंने कहा अपनी आवाज़ भी आप देंगे। तो बहुत खुश हुए कि आप मुझसे दोनों काम करवाएंगे। उनका जी दोनों काम करवाऊँगा, और वो इसकी कंपोजिशन में लगभग मेरे ख्याल से 2 महीने तक जुहू के बंगले में कन्फाइंड हो गए थे। उन्होंने कहीं कोई टूर कोई कुछ भी नहीं किया सिवाय इसकी कंपोजिशन के अलावा। तो इनकी मेहनत आज रंग लाई है, मुझे लगता है कि आप सबों को पसंद आएगी उनके गज़ल। एक्चुअली ये गज़ल जो आजकल का कॉन्सेप्ट जो है अनुषा जी, वो गज़ल के मतलब ये होता है कि क्लासिकल गज़ल इज़ बोरिंग लोग कहते हैं ना, जो लोगों का है ये अरे चल रहा है तो वो क्या है। लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि गज़ल में एक ख़ास बात जो मुझे चाहिए वो नगमा नुमा होना चाहिए, नगमा नुमा जिसमें कि आपके मेलेडी हो। वो मैंने इनसे बहुत कहा, उन्होंने कहा कि देखिए गज़ल में मेलेडी आप क्यों चाह रहे हैं, गज़ल गज़ल हमका नहीं। आज की ऑडियंस, आज की यंगस्टर जिनके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ, उनको जो है गज़ल नगमा नुमा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल के लिरिकल पार्ट जो है कोई सुनता नहीं है, तो खाली पंच वो सुन लिया कि वो आपके ये क्या है छल्लो, क्या है शाहरुख खान साहब की फिल्म है चमक छल्लो, बस ये एक वाक्य है, इसके आगे क्या है कोई नहीं जानता है। मैंने कहा है कि इस तरीके से मुझे वो चीज़ पैदा करना है कि पूरी शायरी ऐसा नगमा नुमा हो कि जो भी आज के लोग उसे दोहराएं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक उनसे गज़ल कहा है कि इसको आप वेरी रोमांटिक बना दीजिए। हुस्न को बेहिजाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक़ को कामयाब होना था। तो आप सुनेंगे तो लगेगा कि इट इज़ ए फुल ऑफ रोमांस, और पिक्चराइजेशन भी रविंदर जी ने किया है तो फुल ऑफ वेरी रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। आज सभी लोग स्ट्रेन में हैं मनुषा जी, सभी के दिलों में एक परेशानी, दिमाग परेशानी है। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद, म्यूज़िक सुनने के बाद, एक कम से कम 2 घंटा लोग अपने बारे न सोचें, अपने बारे भूल जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं देख रहा हूँ, इन्जॉय करो। दिस इज़ माई एक्चुअली ये एम्बिशन लेके मैं इस फिल्म को बनाने की कोशिश की, और आगे भी मैं दूसरी फिल्म, हो सकता है मैं अभी लॉन्च अनाउंस कर दूंगा, मैं कर रहा हूँ दूसरी फिल्म, वो भी हमारी बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली हो, कोशिश है।
कैमरा मत मारो सबसे पहले तो मैं शकील साहब शकील इधर माइक रखा है इधर मेरे कैमरे पर रख रहा है मुबारकबाद देता हूं भाई क्या हो गया भाई अरे भाई बूम 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 भाई अरे एक मिनट यार भाई पूरा देख क्या रहा भाई बहुत बड़े अरे आराम से कर यार हाथ फोन हिला रहा है अरे क्या कर रहे हो यार एक सेकंड आप प्लीज एक मिनट सेंटर सर सर सेंटर कैमरा इधर यार सेंटर गाइड कीजिए कहाँ सर अरे यार क्या कर रहे पवन भाई यार क्या कर रहे हो यार अगेन अरे बड़ी बच्ची कैमरे के सामने बोल हमारा भी तो कैमरा है लाइट निकाले हमारा भी कैमरा लगा हुआ है अरे यार क्या कर रहे हो यार यार ये क्या बदतमीजी है देखो अनुषा जी एक मिनट पवन जी देखो क्या है जी सर रोल है हाँ सर रोलिंग बोलिए सर सबसे पहले मैं शकील साहब को मुबारकबाद देता हूँ हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर उनकी हालात जिंदगी इस तस्वीर में आया हुई है और इसकी मौसीकी तलत अजीज साहब ने और इनका तलत अजीज साहब को चुनना इस मौसीकी के लिए संगीत के लिए बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एक या दो गाने सुने भी हैं बहुत सुरीले बहुत अच्छे बने हैं बहुत अच्छा बना है मेरे और बधाई बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मजाज साहब से कुछ मुलाकातें हमारी यहाँ पे रेड फ्लैग हॉल में तरक्की पसंद राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से कुछ मीटिंगें होती थी उसमें सब बड़े बड़े शायर व अदीब अपना अपना कलाम अपना अपना काम सुनाया करते थे तो वहाँ मुलाकात होती थी और सबसे ज़्यादा आप साहिबान को शायद मालूम ही होगा और इस फिल्म में किस तरह आप पेश किया गया है कि सबसे ज़्यादा दोस्ती उनकी साहिल उधानवी साहब से थी और ऑफकोर्स चांसर अख्तर साहब तो उनके ब्रदर इन लॉ थे ये भी आप लोगों को मालूम है मैं राइट हूँ सही कह रहा हूँ ना तो और उन सब का इकट्ठे और वो फिर एक फिल्म में औलाद में उनकी नज़्म या गजल रिकॉर्ड हुई ऐ गमे दिल जी क्या तो तलत महमूद साहब और वो बहुत हिट हुई थी बहुत चली थी सरदार मलिक साहब का म्यूजिक अपने अनु मलिक साहब के वालिद साहब उनका म्यूजिक आप लोगों को शायद मालूम है या नहीं है तो बहुत हिट हुआ था बहुत अच्छा हुआ था लेकिन पता नहीं उनको बम्बई क्यों पसंद नहीं आया और यहाँ की कुछ स्ट्रगल होती है वो करनी पड़ती है शायद उनको ये ना भाया हो और वो वापस लौट गए एम आई राइट ये कुछ ऐसा तो बहरहाल ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं थी कि इतने बड़े शायर फिल्म इंडस्ट्री ने उनका शायरी नहीं दी तो ये दो चार जुमलों में जो मैंने अर्ज किया है और इस फिल्म को क्योंकि अभी मैंने तो देखा नहीं है यकीनन बहुत अच्छी बनाई होगी और इस फिल्म को बनाने के लिए वो जिसे कहते हैं ना बड़ा दिल जिगरा चाहिए दिल गुर्दा चाहिए या दिल जिगरा चाहिए ये भारत क्योंकि इसमें कोई ख़ास मेरे ख्याल में कमर्शियल एंगल होगा या नहीं होगा मुझे ना मैंने देखी नहीं पते कि लेकिन उनकी क्योंकि हालात है ज़िंदगी के ऊपर ये पिक्चर बनी है और सीधे तो यकीनन
बहुत अच्छी बनी होगी, बहुत अच्छा बनी है, तो उनकी कामयाबी के लिए मेरी दिली दुआएं हैं और अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु जी उनको इनको कामयाब करे, सबको कामयाब करे और सब दुनिया के सामने ये फिल्म और उनकी हालात ज़िंदगी सामने आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। ये ठीक का शकील जी को बेस्ट विशेस दे दीजिए ना, आपका आशीर्वाद। आप क्या के शकील साहब का इस फिल्म को बनाना ही बहुत बड़ा बहुत बड़े दिल की बात है ये, क्योंकि ये कमर्शियल एंगल से फिल्म नहीं बनी होगी और प्योर अनप्योर उनके हालात ज़िंदगी पर ही बनी होगी और बहुत अच्छी बनी होगी। तो शकील साहब को जितनी हम दुआएं दें उतनी कम है कि उन्होंने इतने बड़े शायर, हमारे शायर मजाज साहब, उनकी लाइफ पर ये फिल्म बनाई है। मैं उनको सगेन बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूँ।